नमस्कार और आप देखें पल पल। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरक्षण विरोधी विचारधारा को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में सिरसा में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में सुभाष चौक पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार की विचारधारा एससी एसटी और ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ है। भाजपा एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के प्रावधानों पर विभिन्न बयानों और कार्रवाइयों के जरिए पिछले कई वर्षों से व्यवस्थित तरीके से हमले कर रही है। भाजपा सरकार द्वारा अपनाए गए रुख के जवाब में कांग्रेस व भाजपा को बेनकाब करेगी। इसी के साथ साथ सिलेंडर के बड़े दामों का भी विरोध कर रहे हैं। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। प्रदर्शन सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया है, ये सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, और इन्होंने आरक्षण से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे हरियाणा में बहन शैलजा जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सारे हरियाणा के अंदर ये आज का दिन जो है विरोध प्रदर्शन किया है, पुतले जलाए हैं, क्योंकि ये सरकार हमेशा दलितों के विरोधी रही है, गरीबों के विरोधी रही है और बैकवर्ड के भी विरोधी रही है। कोई भी काम इन्होंने अच्छा नहीं किया। अगर बीजेपी ने संविधान से छेड़छाड़ की तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इनको घरों से बाहर नहीं निकलने की ये चेतावनी दे रहे हैं हम। तो उस आरक्षण जो अम्बेडकर जी ने बनाया है, जो सभी नेताओं ने मिलकर बनाया है, उसे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। जो चल रहा है उसी तरह चलना चाहिए, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे भाई अब ये इसको अब कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं की, जो फैसला कर, जो संविधान बना है उसी पर चले ताकि हमारा देश आगे बढ़ता है। एक बात और है, जब से मोदी सरकार बनी है आज महंगाई आसमान को छूती जा रही है। गैस का सिलेंडर अभी एमएलए के चुनाव के बाद 150 रुपये बढ़ा दिया, कोई गरीब आदमी का काम नहीं, आर्थिक मंदा है, महंगाई 66% आज लोग 66% लोग जो है महंगाई से गुजर रहे हैं। और जब से चुनाव हो रहे हैं ये तो कहते थे कांग्रेस मुक्त करेंगे, आज 7 स्टेटों में इनके खिलाफ सरकारें बन रही है, कांग्रेस की बन रही है, और 58% और इनके जनता खिलाफ है। और दिल्ली के चुनाव में तो मोदी की कमर तोड़ के रख दी, आगे जब भी जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे मोदी हारेगा और कांग्रेस जीतेगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये बड़े सिलेंडरों के रेट लाते हैं, महंगाई पे कंट्रोल करें और जो आरक्षण से छेड़छाड़ करने को उसको ना करें, और ताकि नहीं तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।